हेलो गाइस, सो कैसे हम सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के सामने पेश है ह्युंडई क्रेटा। ये अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। एंड आज आप लोग देखने वाले क्रेटा के सबसे लोअर बेस मॉडल ईको। ब्लैक कलर में आपके सामने इसका बेस मॉडल खड़ा हुआ, तो आज इसी को डिटेल में कवर करेंगे एंड बात करेंगे इस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करें अगर इसकी प्राइस से, तो भाई साहब 11 लाख से एक्चुअल में इसका बेस मॉडल स्टार्ट होने वाला है। टॉप मॉडल तो वह जाता है 20 से 22 लाख तक। लुक्स एकदम आपको मफलर से मिलेंगे, इसी के साथ साथ एकदम कंफर्टेबल रहने वाली, चलाने में भी आने वाला है एकदम भाई साहब बेहतरीन सा फील। इंजन स्पेक डीजल पेट्रोल यहाँ पे आपको उसमें दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। अब आई चलते कार की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं पे क्या कुछ दिया गया, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। सबसे पहले ग्रिल वगैरह देखेंगे तो पूरी ग्रे फिनिश में आपको मिलेगी। सेंटर में आपको दिखता है ह्युंडई का लोगो। लोअर ग्रिल पूरी ब्लैक कलर की एंड इसकी ट्रेड आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है, जो आपको पूरी मिलती है यहाँ पे ग्रे फिनिश में। मस्कुलर सा फील आएगा की वजह से। अब आते हैं हेडलैम्प्स की तरफ, तो उससे पहले ऊपर की साइड आपको दिखेंगे इसके DRL। ये रहने वाले भाई साहब इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स। यहाँ पे रहेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बेसिक वेरिएंट से। लो बीम के लिए प्रोजेक्टर, हाई बीम के लिए हैलोजन्स यहाँ पर रहने वाले। कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पर नहीं आएंगे इस कार में। तो वैसे फ्रंट प्रोफाइल इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी मस्कुलर से मिलती है यहाँ पर इस कार में। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा इस ह्युंडई क्रेटा के साथ। ऊपर की तरफ इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, प्लेन रूफ यहाँ पर रहने वाली है। अब आइए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल से थोड़ा सा आपको ना प्लेन सिंपल सा फील आएगा इंडिकेटर्स की वजह से, जो आपको यहाँ पे फेंडर पे देखने को मिलते हैं। बट व्हील कवर्स वगैरह दिए जाएंगे, चारों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और काफ़ी सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे, रिमोट इंटरलॉकिंग की मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट्स के काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे इसके बेसिक वेरिएंट से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये रहने वाले 16 इंच के इसके स्टील लिम जो व्हील कवर के साथ आपको दी जाएंगे आगे पीछे दोनों में। यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स रहेंगे। टायर सेक्शन यहाँ पर रहने वाला है 205/65 हर 16 इंच के रिडल के टायर्स। ब्लैक कलर की क्लैडिंग फेंडर पे यहाँ पर रहेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। बेस वेरिएंट है बट फिर भी आपको देखेंगे बॉडी कलर यहाँ पे इसके ओआरबीम देखने को मिलेंगे, जो आपको मिलेंगे मैनुअली एडजस्टेबल एंड मैनुअली फोल्डेबल। ए पिलर भी उसी तरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। डोर हैंडल भी देखेंगे तो सेम बॉडी कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो डोर गार्ड वगैरह देख पा रहे हैं ये सब यहाँ पर रहेगा एक्सेसरीज का पार्ट। बी पिलर भी उसी तरह ये भी देखेंगे एक्सेसरीज का पार्ट रहेगा, जो यहाँ पर डोर वाइजर लगे हुए हैं एंड डोर गार्ड लगा हुआ है, ये सब यहाँ पर लगाया गया बाद में। पीछे की तरफ आते तो यहाँ पे सिल्वर फिनिश जैसा कि स्टैंडर्ड रहने वाली सभी ह्युंडई क्रेटा के साथ देखने को मिलेगी, तो ये भाई साहब आपको फिनिश यहाँ पे मिलती साइड में। अब इसके बाद इस तरह रहने वाली परफेक्ट इसकी पूरी बैक प्रोफाइल। ब्लैक कलर है भाई साहब इसका टॉप सेलिंग यहाँ पे कलर रहता है, ब्लैक व्हाइट दो भाई साहब सबसे ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे इस कार के। एंड रियर की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे, चारों में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। बैक से अगर आपको दिखा दें तो ये रहने वाली इसकी पूरी बैक प्रोफाइल। यहाँ पे आपको इसमें कनेक्टेड LED बैकलाइट्स मिलेंगे। सेंटर में देखेंगे ह्युंडई का लोगो, LED बैकलाइट्स रहेंगे, लेकिन अपग्रेड करते ना तो अपर वेंट्स में थोड़ी आपको चौड़ी सी मिलेगी, मतलब जो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा रहता है यहाँ वाला आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो बेस फ्रंट में भी आपको कनेक्टेड LED बैकलाइट्स देखने को मिलेंगी। एंड स्पेशल थैंक्स SS ह्युंडई कानपुर रोड लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दें कि सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, पावर एंटीना यहाँ पर रहने वाला है इसके रूफ में। इस तरफ आपको मिलेगी यहाँ पे क्रेटा की बैजिंग। रिवर्स पार्किंग सेंसर देखेंगे, चार आपको यहाँ पे दिए गए। एंड ये जो भाई साहब कैमरा देख पा रहे हैं ना, ये लगाए गए यहाँ पे बाद में। रिवर्स लाइट वगैरह यहाँ पे रहेगी आगे की तरह, पीछे भी देखेंगे आपको मिलती ग्रे फिनिश में पूरी स्किड प्लेट। तो ये आपने देख लिया पूरा इसका बैक प्रोफाइल। अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे खोल के इसका बूट स्पेस। तो इस ह्युंडई क्रेटा में आपको मिलेगा 433 लीटर का बेहतरीन सा बूट स्पेस। पूरा सामान वगैरह अपना यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इसका देख रहे हैं सबसे लोअर वेरिएंट। सीट वगैरह देखेंगे तो बेसिक वेरिएंट सबको 60-40 स्प्लिट वाली मिल जाएगी, इनको आप फोल्ड कर सकते हैं। और इस पर व्हील जो इसका रहेगा स्टेपनी वाला टायर वो आपको मिलेगा नीचे यहाँ पे। एंड जैक टूल पाना सारी टूल किट आपको यहीं पर रखी हुई दिख जाएंगी। तो ये सब आपने देखा, अब चलिए इसको यहाँ पर करते हैं बंद और अब आएंगे इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। इस सेगमेंट में आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन भाई साहब ना सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा बिकती है। ह्युंडई क्रेटा के सेगमेंट में आप जाएंगे तो आपको किया सेंटॉस मिलेगी, ग्रैंड विटारा मिलेगी, बट उन सभी से भाई साहब A1 क्वालिटी की रहती, चलाने में भी, कंफर्ट में भी, एंड इसी के साथ साथ भाई साहब जो यहाँ पे आपको मिलेंगे फीचर्स हर तरह से एकदम परफेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इस ह्युंडई क्रेटा का। वारंटी वगैरह आपको मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की, जिसको फर्दर आप आगे एक्सटेंड करा सकते हैं। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे दिया गया, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल एंड डीजल। अभी आपके सामने इसका खड़ा हुआ पेट्रोल वेरिएंट, तो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की अगर इसके बात कर ले तो यहाँ पे आपको मिलने वाली 50 लीटर की। डीजल में जाएंगे तो आपको यूरिया भी डलाना पड़ेगा। अब आइए चलते कार के अंदर। हाँ, तो अभी देखेंगे इसकी डोर ट्रिम पूरी डुअल टोन में मिलेगी, जिसमें पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे इसका डोर ओपनर, नीचे स्पीकर बॉटलनेक आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा भाई सब गाड़ी अदरवाइज पूरा खोलते हैं, इस तरह देख लीजिए। एंड अंदर जाएंगे तो सीट्स वगैरह सारी फैब्रिक की आएंगी, सीट कवर वगैरह सब लगाएंगे बाद में एज अ एक्सेसरीज।
और अंदर आने के बाद देखेंगे इस तरह बड़ा सा इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू। यहाँ पे आपको मिलेगी टच स्क्रीन, मैनुअल एसी मिलेंगे, 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलेंगे एंड पीछे वाले बंदों के लिए यहाँ पे दिए गए एसी वेंट्स। बड़ा सा पूरा ठंडी ठंडी हवा का लुप्त उठाई पीछे बैठ के। दो दो टाइप सी यूएसबी के पोर्ट्स आपको मिलते हैं, आप अपना फोन वगैरह या छोटा मोटा कुछ भी सामान वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। बैठने के बाद इतना कुछ आपको इसमें लेगरूम नीरूम वगैरह देखने को मिलेगा, एकदम कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठने वाले इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के अंदर। थाई सपोर्ट भी एकदम सही साथ देखने को मिल जाएगा। डोल ट्रिम वगैरह इधर की भी देख लीजिए, ऊपर जाएंगे तो इसका ग्रैब हैंडल, पीछे आपको यहाँ पे कोई भी पार्सल ट्रे नहीं मिलती है इसके सेकंड बेस मॉडल ईएक्स के साथ। बाकी बाद में चाहे तो अपना एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं, हेडरेस्ट आपको बेसिक वेंट से एडजस्टेबल मिलेंगे, तो एक ये हो गया, दूसरा ये, दो हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल मिलेंगे। तीन पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे सीट बेल्ट्स के। आर्मिस्ट वगैरह चेक करते भाई साहब, ये भी दिया गया आई थिंक सीट कवर में कि भाई साहब कटिंग है, धीरे से देख लेते क्या सीन रहने वाला है इसका। तो भाई साहब ये देखो तो गजब भाई साहब, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे आपको उसमें ये आर्मिस्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें मिलते हैं दो ग्लास होल्डर्स, बढ़िया से यहाँ पे कोटिंग वगैरह लगा के एंजॉय कर सकते हैं। इसको करेंगे यहाँ पे धीरे से बंद, तो ये हो गया यहाँ पे बंद। तो भाई साहब आर्मिस्ट भी मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, तीन पॉइंट्स यहाँ पे सीट बेल्ट्स के मिल जाएंगे, 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रिमोट सेंटर लॉकिंग की, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड बेसिक वेरिएंट से। तो इस तरह आराम से बैठेंगे एक बंदा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, थर्ड पर्सन को भी बैठाया जा सकता है, हल्का साहब रहेगा नाम मात्रा। तो अब आइए निकलते हैं, फिर चलते ड्राइवर साइड की तरफ, उधर से आपको दिखाते इस कार को। उससे पहले देखिए यहाँ पे सीट बेल्ट्स को भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इधर से निकलते क्योंकि उधर भाई साहब साफ सफाई का अभियान चल रहा ना, तो इधर से धीरे से निकल लेते हैं और चलते ड्राइवर साइड की तरफ। तो ये तो अपने अंदर का इसका पूरा देख लिया, सेकंड रो का पूरा स्पेस वगैरह। अब आएंगे ड्राइवर साइड की तरफ। तो भाई साहब जो यहाँ पे इसका मोस्ट सेलिंग यहाँ पे कलर ऑप्शन रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट दो ही कलर यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकते हैं इस कार के, देखने में एकदम मस्कुलर से फीचर्स का भाई साहब क्या कहना, लाजवाब। हालांकि तो टॉप मॉडल वाले तो आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे जोत वाले सारे फीचर्स मिल जाएंगे इस वेरिएंट के साथ। डुअल ट्रिम वगैरह देखेंगे पूरी आपको डुअल टोन में, चारों पावर के कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे लॉक अनलॉक वाले बटन्स, इधर जाएंगे ओआरबी में आपको मिलता है मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। भाई साहब बेस मॉडल की वजह से आपको मिलेगी डंडी, नीचे यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह बाद में लगाएंगे, बॉटल डर आपको देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह देखिए एकदम बेहतरीन सा रहेगा, सीट्स आएंगे फैब्रिक की जिसमें हाई अटैचमेंट सिटी क्लाइंब दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। नीचे इसका फ्लूइड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के मिलेंगे, एबीसी पैडल, यहाँ पे आगे का बोनेट खोलने का लीवर, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट आपका बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच ये रहने वाला है, अपने हेडलैम्प को ऊपर नीचे कर सकते हैं एडजस्ट। अब आइए चलते गाड़ी के अंदर, बैठ के आपको दिखाते इसका पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड। सो अभी आ चुके इसके इस बेस मॉडल के अंदर, तो सबसे पहला काम भाई साहब इग्निशन को यहाँ पे करेंगे ऑन, पूरा देखेंगे डिजिटल आपको इसका क्लस्टर देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चेक लाइट्स। यहाँ पे जाएंगे तो भाई साहब ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स ये यहाँ पे लगाया गया बाद में, तो ये भाई साहब टच स्क्रीन प्लस रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह बाद में इंस्टॉल किया गया है। इधर जाएंगे तो मेडिकल कंट्रोल्स, यहाँ पे इसका डिजिटल क्लस्टर, इसको म्यूट करते ना आ जाएगा कॉपीराइट, डिजिटल क्लस्टर, इधर स्पीडोमीटर, यहाँ पे आरपीएम मीटर, बीच में यहाँ पर रहेगी एमआईडी स्क्रीन जिसमें इसको प्रेस करेंगे तो टीपीएमएस, करंट ट्रिप, एवरेज माइलेज, रेंज, ऑडियो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ह्यूंडई का लोगो रहेगा और ये देखेंगे तो बेसिक मॉडल से टिल्ड टेलीस्कोपिक आपको देखने को मिल जाएगी इसकी स्टीयरिंग, मैनुअल हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, तो ये हो गया इधर का फाइनली कवर। अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे पूरा डुअल टोन में ये चीज़ लगी हुई है बाद में। बाकी टच स्क्रीन में कनेक्टिविटी आपको ब्लूटूथ, यूएसबी ऑक्स सारी को देखने को मिल जाएगी, और इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा रिवर्स पार्किंग कैमरा जो लगाया गया बाद में। तो ये देखा आपने बेस मॉडल का पूरा सेंटर कंसोल, हेजलाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया, मैनुअल एसी आएगा तो मैनुअल एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ रहने वाले हैं, और 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे देखेंगे, टाइप सी रहेगा यूएसबी का पोर्ट। इसको करते बंद, स्पेस वगैरह अच्छा खासा मिलेगा, जहाँ पे अपना सामान वगैरह कुछ भी रख लीजिए, एंड इसका 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन। इधर देखेंगे तो दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पर रहने वाले, इसकी मैनुअल हैंडब्रेक, आर्मिस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, ये भी वैसे बेसिक वेरिएंट से मिलेगा, बेसिक वेरिएंट से मिलेंगे रियर एसी वेंट्स। स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे ऑफर किया गया, कुछ भी अपना सामान वगैरह रख लीजिए। तो ये देखा आपने फाइनली इसके अंदर का पूरा डैशबोर्ड, बट इधर बच गया तो यहाँ पे भी अपना कुछ भी सामान वगैरह छोटा मोटा रख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ग्लव बॉक्स वगैरह इस तरह कुछ जो आपको नॉर्मल से मिलेगा, कोई कूल्ड वगैरह नहीं रहेगा। और ये वैसा बाद में लगी ना, तभी तो ये सब सिस्टम है भाई, यूएसबी वगैरह लगाने के तीन पोर्ट्स मतलब बेस मॉडल में इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये आपने देखा इसका पूरा डैशबोर्ड। एयरबैग्स आपको 6 यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक रहेगा यहाँ पे, दूसरा रहेगा वहाँ पे दो फ्रंट वाली सीट्स में, बाकी प्लस में आपको मिलेगी एयरबैग्स की ब्रांडिंग। इधर आते हैं तो यहाँ पे जाएंगे मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM, इस तरफ यहाँ पे देखेंगे तो वैनिटी मिरर, इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा टिकट होल्डर। तो ये आपने देखा सुंडी क्रेटा के बेस मॉडल का अंदर का पूरा डैशबोर्ड, आपको कैसा लगा आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हम निकलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में कि कितने कुछ की आपको पड़ेगी ऑन रोड लखनऊ।
और अब बात करें अगर यहाँ पे इसके इंजन स्पेक के बारे में, तो अभी आपके सामने इसका पेस है 1.5 लीटर में 4 सिलेंडर एमपीआई पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलने वाली है 113 बीएचपी की पावर एंड 144 एनएम का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में मान के चलिए वही 18 केएमपीएल तक आपको माइलेज देखने को मिलेगा इस कार के साथ। यहीं पर आप चाहें तो इसके 1.5 लीटर सीआरडीआई डीजल के साथ जा सकते हैं, डीजल में जाएंगे तो आपको मिलेगी 113 बीएचपी की पावर एंड 250 एनएम का टॉर्क, वहाँ भी वैसा टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिलेगा, माइलेज वहाँ पर क्लेम किया जाएगा 21 केएमपीएल तक इस कार के साथ। एंड अब फाइनली लास्ट में बात आती है इसकी कीमत की, अगर आप इस सिंडी क्रेटा के बेस मॉडल पेट्रोल को लेंगे तो आपको पड़ेगी 11 लाख रुपए एक्स रूम एंड वही जाएगी वाली 13,21,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार के साथ एबीएस विद ईबीडी, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, ट्रैक्शन, टीपीएमएस, ईएसपी जैसे काफी ढेर सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस सिंडी क्रेटा के बेस मॉडल पर। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।